हेलो, तो आज मेरे पढ़ाको हो जाओ तैयार एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए लाइव क्लास से। इस समय मेरे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो इसीलिए मेरा फोकस उधर की तरफ रहेगा, लेकिन समझ में आपको सब आएगा, एक गारंटी है मेरी। मेरे बेटा आज का टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। बहुत टिपिकल समझते हैं बच्चे इसको, बुक्स के अंदर पढ़ोगे एकदम सिर के ऊपर से बाउंसर्स जाएंगे, लेकिन यदि आप ध्यान से सुनोगे तो कुछ भी नहीं है। मेरे बेटा ये बेसिकली किस काम आता है ये आप समझ लो। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर का काम है डीसी करंट को एसी करंट में बदलना। अब बिफोर आई स्टार्ट ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को ट्रांजिस्टर एक्शन अच्छी तरह से आता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सब जानते हो आप। तो बेटा यदि आपको ना पता हो तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, मेरी पुरानी वाली वीडियो में वो सब मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल पता है तो आगे बढ़ते हैं। जिस जिस कंसेप्ट का यहां यूज होगा उन्हें बड़े गौर से सुनिए। नंबर वन, आप जब भी किसी कॉइल में, यह अभी टॉपिक नहीं शुरू हो रहा, शुरू के 10 मिनट में बेसिक बताऊंगा जिसके बगैर टॉपिक समझ में नहीं आएगा, 5 नंबर से कम नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। जब आप किसी कॉइल में करंट पास करते हो तो ये मैग्नेटाइज हो जाती है। मैग्नेटाइज होने से इसमें नॉर्थ और साउथ पोल पैदा हो जाते हैं, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है। ये है हमारा पहला केस जिसकी जरूरत पड़ेगी। याद रखना, किसी भी कॉइल में करंट पास करोगे तो वो मैग्नेटाइज जरूर होगी और उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। ज्यादा करंट पास करोगे तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगी, ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। कम करंट पास करोगे तो कम फ्लक्स निकलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट, वो भी कॉइल से जुड़ा हुआ पॉइंट है। यदि आपके पास कोई कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, तो मेरे बेटा फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ डेवलप होता है और उस ईएमएफ का फॉर्मूला है -G∅B/dt। व्हेनेवर देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल तो ईएमएफ डेवलप होगा। गलत। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। कॉन्स्टेंट फ्लक्स से ईएमएफ नहीं बना करते। यदि ये फ्लक्स ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो है, तो ईएमएफ जीरो है। क्वाइल में फ्लक्स बढ़ेगा तो भी ईएमएफ डेवलप होगा, क्वाइल में फ्लक्स कम होगा तो भी ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन उन दोनों में अंतर होता है। कई बार एक बात बताओ बेटा, फ्लक्स के बढ़ने से भी ईएमएफ डेवलप हुआ और फ्लक्स के घटने से भी ईएमएफ डेवलप हुआ। मान लो सेम क्वाइल है और दोनों में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, मेरे से कोई कहे कि इसमें फ्लक्स राइज हो गया और इसमें उतनी ही रेट से फ्लक्स रिड्यूस हो गया, जिस रेट से इसमें फ्लक्स राइज हुआ उसी रेट से फ्लक्स रिड्यूस हो गया, यानी d∅dt दोनों में सेम है, तो लॉजिकली दोनों में सेम ही ईएमएफ डेवलप होगा। होगा, लेकिन उनमें एक अंतर होगा पोलैरिटी का। यदि इसमें ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा तो इसमें नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव डेवलप होगा। पोलैरिटी में अंतर होता है। फ्लक्स बढ़ने से यदि ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है नीचे नेगेटिव, तो फ्लक्स कम होने पे नीचे पॉजिटिव आएगा और ऊपर नेगेटिव, ये अंतर होता है। पॉइंट नंबर 4 जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है बेटा कैपेसिटर की नॉलेज की। बेटा मेरे पास एक कैपेसिटर है, आप जरा गौर से सुनिए कैपेसिटर की नॉलेज। मेरी नजर में कैपेसिटर में और एक पानी से भरे ग्लास में कोई अंतर नहीं होता। यदि ग्लास के अंदर हम थोड़ा पानी डालें आ गया, और पानी डालें लेवल बढ़ गया, और पानी डालें लेवल बढ़ गया, और पानी डालें लेवल बढ़ गया, और पानी डालें तो वो फैल गया, अब इसमें और एक लिमिट के बाद पानी और नहीं आ सकता। कितने पानी के बाद और नहीं आ सकता वो डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी पर। यदि ज्यादा कैपेसिटी का ग्लास ले लो तो ज्यादा पानी स्टोर करने के बाद फिल होगा, और कम कैपेसिटी का ग्लास ले लो तो कम पानी आने पर वो फिल हो जाएगा। यही बात होती है कैपेसिटर में। हर कैपेसिटर की भी कैपेसिटी होती है। यदि मैं इसको कहीं से थोड़ा सा चार्ज दूंगा वो आ गया, और चार्ज दूंगा स्टोर हो गया, और चार्ज दूंगा स्टोर हो गया, और चार्ज दूंगा स्टोर हो गया, लेकिन एक लिमिट के बाद ये और चार्ज नहीं ले सकता। यदि कितना भी चार्ज देते चले जाओ फिर तो कैपेसिटी के टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो सारे के सारे इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं। हर कैपेसिटर एक सीमा तक, एक लिमिट तक चार्ज स्टोर कर सकता है, उस लिमिट के आगे चार्ज स्टोर नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर में लीक कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, वो उसे अपने पास नहीं ले सकता। इसका चार्ज एक सीमा लिमिट तक बढ़ने के बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है। ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। पांचवा, मेरे बेटा आपको एक टॉपिक हल्का सा याद दिला दूं, एलसी सर्किट। मेरे बेटा यदि आपको कॉइल और कैपेसिटर
दे दिए जाए पैरेलल में, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो यहां ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं। उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा जितना ईएमआई एसी में बता रखा है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहें तो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स आप पढ़ सकते हैं, एलसी सर्किट। इस समय मेरी एक बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन्स क्वाइल के थ्रू जाकर के यहां आने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वाइल हर चीज का अपोज करती है। इलेक्ट्रॉन्स यदि बेटा नॉर्थ पोल पास आता है तो क्वाइल उसे पास आने का अपोज करती है, पोल दूर जाता है तो दूर जाने का अपोज करती है, फ्लक्स बढ़ता है, करंट बढ़ती है तो बढ़ने का अपोज करती है, घटती है तो घटने का अपोज करती है। लेंज रूल के अकॉर्डिंग क्वाइल हर चीज का अपोज करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उधर भागते हैं तो क्वाइल उसे अपोज करती है और उसे उल्टी डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जब करंट उल्टी डायरेक्शन में जाती है तो क्वाइल फिर अपोज करती है और उसको सीधी डायरेक्शन में भेजती है, यानी करंट में ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं। ये कहलाते हैं एलसी ऑसिलेशंस। इससे ज्यादा शॉर्ट में नहीं बता सकता था, लेकिन ये एलसी ऑसिलेशंस डैम्प होते हैं। डैम्प का मतलब पहला ऑसिलेशन ज्यादा एम्पलीट्यूड का, अगला उससे कम एम्पलीट्यूड, और कम एम्पलीट्यूड, और कम एम्पलीट्यूड। वो क्यों बेटा? इस सर्किट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। ये कोई आइडियल सर्किट तो है नहीं कि भाई रेजिस्टेंस फ्री है। यदि रेजिस्टेंस होगा तो चाहे करंट उधर जाए चाहे करंट इधर जाए, कुछ ना कुछ एनर्जी हीट बन के इवॉल्व होती रहेगी, तो एनर्जी कम होने से एम्पलीट्यूड डाउन होते रहेंगे। तो पहली करंट ज्यादा होती है, फिर अगला एम्पलीट्यूड कम और कम और कम। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम चाहते हैं डैम्प्ड ना हो, तो ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर का यही काम है कि वो डैम्प होने से रोके और वो हमें ऐसी सर्किट ऐसी करंट दे जो पहले से लेकर आखिरी तक कांस्टेंट हो। इसे यदि मैं सैचुरेशन बोलूं, मैक्सिमम बोलूं, तो ये हर बार उस मैक्सिमम या सैचुरेशन लेवल तक जाए। यदि ऐसा हो गया तो मेरे बेटा मेरा सर्किट ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर बन जाएगा। तो मेरे बेटा ये मुझे ऐसा तो साधारण एलसी सर्किट में मिलती है और मुझे ऐसी चाहिए, अनडैम्प्ड चाहिए, डैम्प्ड हमें एलसी सर्किट से मिलती है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बातें बताई कि ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर का काम है डीसी को एसी में बदलना, करंट आने से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, शॉर्ट में ये समझ लो करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम घटने से फ्लक्स कम होगा, क्वाइल में फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, फ्लक्स बढ़ने पे यदि ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तो फ्लक्स घटने पर ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा तो घटने पर ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। कैपेसिटर एक लिमिट के बाद चार्ज स्टोर करने को मना कर देता है, वो कह देता है अब बस और चार्ज नहीं लेने का। मेरे बेटा क्वाइल और कैपेसिटर मिल करके एलसी ऑसिलेशन करते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो डैम्प्ड होते हैं। उन्हें अनडैम्प्ड बनाने के लिए हम लोग सारी कार्रवाई यहां पर देख रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 7 एक और समझाना है, उसे समझाऊंगा मैं टॉपिक शुरू करने के बाद बीच में। अब शुरुआत करी जाए उसे, चलो मैं हल्का सा फीडबैक के बारे में बता देता हूं। यदि कभी इनपुट से कोई सिग्नल आ रहा हो और वो आउटपुट पे निकल रहा हो, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यदि आप आउटपुट का कुछ हिस्सा वापस इनपुट में पहुंचा दे, आउटपुट की थोड़ी एनर्जी दोबारा इनपुट में पहुंचा दे, तो इसे कहते हैं फीडबैक। आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पे चला गया, आउटपुट की एनर्जी जो आउटपुट से एनर्जी निकली थोड़ी एनर्जी वापस इनपुट में पहुंचा दी, इट इज कॉल्ड फीडबैक। समझ में आ गया आउटपुट की एनर्जी। अब बेटा ये हमारा फीडबैक के बारे में आ गया, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहां हमारा ये फीडबैक सर्किट है। चलिए मेरे लाल शुरू करते हैं, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि एक बार में समझोगे या दो बार में, फोकस पूरा रखना, बेसिक आप जान चुके हो। ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन एमिटर मोड में है। मैंने आप लोगों को बेटा पुराने वीडियोस में भी बता रखा है कि हमेशा यदि पीएनपी और एनपीएन में चॉइस लेनी पड़ेगी तो पीएनपी लेंगे, और कॉमन इमिटर और कॉमन बेस में से चॉइस होगी तो हमेशा कॉमन इमिटर मोड लेंगे। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर मोड है। ये है एन, ये है पी, ये है एन, इमिटर बेस और कलेक्टर। पहला काम है बायसिंग करना। बेटा बायसिंग के लिए पी को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए और एन को निगेटिव से, इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस हो गया। ये बैटरी यहां लगा देता हूं,
भाई पॉजिटिव से, अब देख एन नेगेटिव से, पी पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बायस हो गया, तो मेरे बेटा ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो आप जानते हो कि इनपुट हमेशा फॉरवर्ड में और कलेक्टर हमेशा रिवर्स में रहता है, तो अब कलेक्टर को रिवर्स बायस में करना है, यानी एन को मुझे जोड़ना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो मैंने उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच कर दिया और इस तरह से मेरा सर्किट कंप्लीट हुआ। यहां पर एक की लगा रखी है मैंने, एक की कुछ बुक्स में यहां भी दे रखी है, कुछ में नहीं दे रखी, फर्क नहीं पड़ता, अभी समझ में आ जाएगा। अभी तक ये सिर्फ ट्रांजिस्टर को एक्शन में लाने का सर्किट है, यदि मैं दोनों स्विच ऑन कर दूंगा तो इमिटर और कलेक्टर करंट पैदा हो जाएंगी, क्योंकि बेटा मैंने आपको ट्रांजिस्टर एक्शन के समय बताया था कि बैटरी लगा के अंदर चार्जेस का फ्लो कैसे स्टार्ट होता है, तो ये अभी ट्रांजिस्टर एक्शन का है। अब हम यहां पर एक क्वाइल लगाएंगे, अब यहां बेटा बड़े ध्यान से सुनना L1, यहां पर हम एक क्वाइल लगाएंगे और इसके साथ लगाएंगे एक कैपेसिटर L2 या L और C, उसे L1 कह दिया, इसे L और C कह दिया। ये मेरा सर्किट पूरा हो चुका। हर इन्वर्टर में ये लगा होता है DC को AC में बदलने के लिए, जब लाइट चली जाती है तो वो आपकी बैटरी से DC लेता है और उसे AC में बदल के घर को दे देता है, तो उसके अंदर यही है जो DC को AC में बदलेगा। गौर से सुनिए, इस समय दोनों स्विच ऑफ है, ना कोई फॉरवर्ड बायस है, ना कोई रिवर्स बायस है, ना इमिटर करंट है, ना कलेक्टर करंट है, ना बेस करंट है। अब मैंने इसे स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पहुंच गया, बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर पहुंच गया, फॉरवर्ड बायस मिल गया, और जब फॉरवर्ड बायस मिल गया, यहां पर रिवर्स बायस मिल गया, सर्किट पूरा हो गया, इमिटर करंट बन गई, कलेक्टर करंट बन गई, कुछ इमिटर करंट भी बन गई, कुछ कलेक्टर करंट भी बन गई। अब कलेक्टर करंट यहां दिखा रहा हूं, इमिटर करंट यहां दिखा रहा हूं, अब गौर से, अब जितना फोकस कर सकते हो कर लो। इमिटर करंट बन गई, कलेक्टर करंट बन गई, अब लेकिन इसके बाद जो होगा उसको बड़े धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि वहीं पे आपके 5 नंबर में से 4 रखे हुए हैं। जब ये सर्किट ओपन हुआ, बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल तो यहां पहुंचा हुआ था, अब क्या हुआ, जब कलेक्टर करंट बन गई तो वो कलेक्टर करंट इस क्वाइल में से होके गुजरी, जिसके कारण क्वाइल मैग्नेट बन गई, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला। ये बोर्ड पर आपको बहुत दूर दूर दिखाई दे रही है, जब असली सर्किट होता है ये और ये बिल्कुल बिल्कुल टच रहती है कि वहां से फ्लक्स निकला तो इसमें घुस गया। तो यहां ये जब इसमें कलेक्टर करंट गई तो इसमें ये मैग्नेटाइज हो गई, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्वाइल में से गया, क्वाइल में फ्लक्स गया तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, फ्लक्स पहले नहीं था अब आ गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। हम इस तरह से लगाते हैं कि फ्लक्स बढ़ने पर ऊपर पॉजिटिव आए, फ्लक्स घटने से ऊपर निगेटिव आए। अब जब ऊपर पॉजिटिव निगेटिव पैरेलल में होने के कारण कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पैरेलल में सेम वोल्टेज रहती है। कई बच्चे कहते हैं सर कॉइल के ऊपर तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आया कि उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, कैपेसिटर पे क्यों आया? मेरे बेटा अलग से देख, लड़ क्यों रहा? ये है कॉइल और ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर मेटल की प्लेट से बना होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसमें फ्लक्स चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस आया तो पॉजिटिव पोटेंशियल ने ऊपर की प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, पॉजिटिव पोटेंशियल ने प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचा और वो चल करके यहां पहुंच गए। लेकिन आप जानते हो वायर में जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से घुसते हैं दूसरे उतनी तरफ से उतने ही निकल जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोटेंशियल से निकल के यहां पहुंच गए। पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, निगेटिव ने पहुंचा दिया, तो इस तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन जाके यहां आ गए, और यदि इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां आ गए तो ऊपर से चले गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, नीचे आ गए तो निगेटिव पोटेंशियल। ये तो देख फिजिक्स का बुनियादी सिद्धांत है, यदि दो चीजें पैरेलल में हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे फिर नेचर उसके लिए कुछ भी करे, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन खींच लिए यहां दे दिए, फिर नेचर कुछ भी करे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। तो समझ में आ गया पैरेलल में क्या होता है बेटा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो खैर यहां पर क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस आया, पैरेलल में इसमें भी आ गया। अब मुझे बता बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल इस यहां पहुंचा हुआ था, कैपेसिटर भी पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल भी यहां पहुंच गया, तो मुझे बताओ फॉरवर्ड बायस राइज हो गया नहीं हो गया? फॉरवर्ड बायस। अब यदि फॉरवर्ड बायस राइज हो गया तो इमिटर करंट राइज होगी,
बेस करंट राइज होगी, कलेक्टर करंट राइज होगी, तो ये कलेक्टर करंट राइज होगी, कलेक्टर करंट राइज होगी तो फ्लक्स राइज होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट इस कॉइल में से जा रही है, तो जब ज्यादा करंट इस कॉइल में से जाएगी तो वो पावरफुल मैग्नेट बनेगी, पावरफुल मैग्नेट बनेगी तो उसमें से फ्लक्स और निकलेगा। अब वो फ्लक्स इसमें बढ़ेगा, और यदि इसमें फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, पैरेलल में होने के कारण कैपेसिटर पे और ज्यादा चार्ज आएगा फ्लक्स बढ़ने से, ये अब इस पे और चार्ज आएगा तो फॉरवर्ड बायस और बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ, पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव इसे मिल रहा है, तो बैटरी का पॉजिटिव भी और कैपेसिटर का पॉजिटिव पोटेंशियल भी। तो मुझे बताओ बेटा फॉरवर्ड बायस और बढ़ेगा, फॉरवर्ड बायस, अब ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा तो इमिटर करंट बढ़ेगी, इमिटर करंट बढ़ेगी बेस करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा तो फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा, फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा तो इमिटर करंट राइजेस, इमिटर करंट राइजेस देन कलेक्टर करंट राइजेस, कलेक्टर करंट राइजेस तो फ्लक्स राइजेस, फ्लक्स राइजेस तो पोटेंशियल डिफरेंस राइजेस, पोटेंशियल डिफरेंस राइजेस तो कैपेसिटर पे भी चार्ज राइजेस, कैपेसिटर पे चार्ज राइजेस तो फॉरवर्ड बायस राइजेस, फॉरवर्ड बायस राइजेस तो इमिटर करंट राइजेस, इमिटर करंट राइजेस कलेक्टर करंट राइजेस, कलेक्टर करंट राइजेस तो फ्लक्स राइजेस। अब यहां बात आती है, तुम देख रहे हो कलेक्टर करंट लगातार बढ़ती जा रही है, इमिटर और बेस करंट भी लगातार बढ़ती जा रही है, कभी ये सिलसिला रुकेगा भी या नहीं? तो जवाब है कैपेसिटर क्यों लगा है, कैपेसिटर एक लिमिट के बाद चार्ज लेने को मना कर देता है, सैचुरेशन पे आ जाता है, उसके बाद कैपेसिटर कह देगा अब बस। बड़ी आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं, बुक में यही दिमाग की धज्जियां उड़ा रखी, कैपेसिटर कह देगा अब बस, वो चार्ज लेने को मना कर देगा, उसका चार्ज कांस्टेंट, फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट, उस मोमेंट पर फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट, फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट, इमिटर करंट कांस्टेंट, बेस करंट कांस्टेंट, कलेक्टर करंट कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, और यदि फ्लक्स कांस्टेंट तो इसका सारा ईएमएफ जीरो, कांस्टेंट फ्लक्स जीरो ईएमएफ, पैरेलल में होने के कारण कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हो जाएगा, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो इसका भी जीरो होगा। फिर बात आती है कि ये जीरो क्यों हो गया, भैया देख मैं बीच बीच में अलग से बताता जा रहा हूं, ये कहानी तब की है जब कैपेसिटर पर भी चार्ज था है? और कॉइल पर भी पोटेंशियल डिफरेंस था। अब कॉइल में फ्लक्स कॉन्स्टेंट होने से कॉइल का ईएमएफ जीरो हो गया, ना कोई पोटेंशियल पॉजिटिव है ना कोई निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भाग जाएंगे, खत्म हो जाएगा चार्ज। तो कई बच्चे कहेंगे पहले क्यों नहीं भाग रहे थे, पहले यहां निगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल था, जब इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे थे तो निगेटिव पोटेंशियल उसे वापस धक्का देके यहीं भेज रहा था, अब वो निगेटिव नहीं है, वापस लौटाने वाला, तो अब ये चले जाएंगे। समझ में आ गई बात, वीडियो दो तीन बार देखना, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए डाल रहा हूं, जब अभी तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा, हां सर समझ में आ गया, बोर्ड से पहले फिर दिमाग में दो घंटे लगाने पड़े, तो बस खोलो वीडियो देख लो। तो मेरे बेटा ये आप समझ गए कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हट गया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज क्यों हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो जो फॉरवर्ड बायस को इसने बढ़ा रखा था वो फॉरवर्ड बायस जो बढ़ा हुआ था वो वापस वहीं आ गया। तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस की राइज हुई यहां पर या रिडक्शन हुआ, फॉरवर्ड बायस रिड्यूसेस तो इमिटर करंट रिड्यूसेस, बेस करंट रिड्यूसेस, कलेक्टर करंट रिड्यूसेस, कलेक्टर करंट रिड्यूसेस तो फ्लक्स रिड्यूसेस, फ्लक्स रिड्यूसेस तो ईएमएफ इज डेवलप्ड बट इन अपोजिट वे, पहले ऊपर पॉजिटिव था अब ऊपर नेगेटिव है, तो कैपेसिटर इज चार्ज्ड इन अपोजिट वे, तो ये ऊपर नेगेटिव आ गया नीचे पॉजिटिव आ गया, ऊपर नेगेटिव है तो बेटा बैटरी ने दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, कैपेसिटर ने दिया नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस की राइज है रिडक्शन, फॉरवर्ड बायस रिड्यूसेस तो इमिटर करंट रिड्यूसेस, बेस करंट रिड्यूसेस, कलेक्टर करंट रिड्यूसेस, फ्लक्स रिड्यूसेस, फ्लक्स रिड्यूस हुआ तो बेटा ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ चार्ज डेवलप हुआ, फॉरवर्ड बायस और रिड्यूस हो गया, जो पहले चल रहा था उल्टा चल रहा है, फॉरवर्ड बायस रिड्यूसेस तो इमिटर करंट रिड्यूसेस, बेस करंट रिड्यूसेस, कलेक्टर करंट रिड्यूसेस, फ्लक्स रिड्यूसेस, फ्लक्स रिड्यूसेस तो ईएमएफ डेवलप हो गया अपोजिट वे में, कैपेसिटर पे चार्ज डेवलप हो गया अपोजिट वे में, फॉरवर्ड बायस और रिड्यूस होगा। तो आप देख रहे हो पहले जो बढ़ने का सिलसिला था सारी करंट्स का वो घटने का सिलसिला बन गया है, यहां भी और यहां भी इमिटर और बेस करंट दोनों ही सभी घट रही हैं।
लेकिन कब तक फिर कैपेसिटर का रोल आएगा, कैपेसिटर फिर फुल्ली चार्ज हो जाएगा लेकिन अपोजिट वे में, पहले ऊपर प्लस और नीचे माइनस के साथ फुल्ली चार्ज हुआ था, अब ऊपर माइनस और नीचे प्लस के साथ फुल्ली चार्ज हो गया, और जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट, इमिटर करंट कांस्टेंट, बेस करंट कलेक्टर करंट कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। अब ध्यान से सुन, एंड होने वाला है इसका, फ्लक्स कांस्टेंट तो मेरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कैपेसिटर का चार्ज जीरो, डिस्चार्ज हो गया, तो ये जो सारा माइनस गया हुआ था वो हट गया। फॉरवर्ड में बैटरी ने पॉजिटिव दिया था, कैपेसिटर ने नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा था, तो फॉरवर्ड बायस घटा हुआ था। अब वो नेगेटिव हटने से फॉरवर्ड बायस की एक तरह से राइज हुआ, रिडक्शन, बोलो या रिडक्शन, पहले प्लस के साथ माइनस था यानी कम था, अब माइनस हट गया, राइज, तो फॉरवर्ड बायस राइजेस, इमिटर करेंट राइजेस, कलेक्टर करेंट राइजेस, फ्लक्स राइजेस। मेरे ख्याल में आप समझ गए, ये चलता रहता है, यानी एक बार बढ़ने का प्रोसेस होता है, फिर कम होने का प्रोसेस होता है, फिर बढ़ने का प्रोसेस, फिर कम होने का प्रोसेस, फिर बढ़ने का प्रोसेस, फिर कम होने का प्रोसेस। पता है कई बुक्स में इतना कंफ्यूज कर रखा है, इसमें ट्रांजिस्टर है स्विच की तरह से कभी समझाना चाह रहे हैं, कभी कैसे समझाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ पा रहा। मैंने इसे थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन इस तरह से समझाया कि यदि समझना होगा तो बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर बन गई होगी। और यही इनपुट करंट में भी यही हो रहा है, इमिटर करंट जब कलेक्टर बढ़ रही है, बेस इमिटर भी बढ़ रही है, बेस भी बढ़ रही है, कलेक्टर घट रही है तो इमिटर बेस सब घट रही है, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही है। ये है मेरा इनपुट वाला ग्राफ, ये है आउटपुट वाला ग्राफ, इनपुट करंट भी ऑल्टरनेटिंग है, आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग है। यहां पर एक फीडबैक सर्किट है, ये क्या है इनपुट और ये क्या है बेटा आउटपुट। तुम बताओ आउटपुट से जो एनर्जी थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में इनपुट को मिल रही है, इसे कहते हैं फीडबैक। आउटपुट का पहले बताया था ना जब बेस बना रहा था कि आउटपुट की कुछ एनर्जी इनपुट को मिलना फीडबैक है, तो ये भी फीडबैक है, ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है बेटा, खैर फीडबैक पे एक अलग लेक्चर और बना दूंगा, फिलहाल तो ये समझ लो यदि आउटपुट की कुछ एनर्जी इनपुट में जा रही है तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। अब मेरे बेटा ये मेरे पास बन गई अल्टरनेटिंग करंट, अब हम अल्टरनेटिंग आउटपुट कहां से लेंगे, ये भी करंट बढ़ घट रही है, ये भी करंट बढ़ घट रही है, तो अधिकतर जगह यहां पर एक क्वाइल लगा देते हैं आउटपुट के लिए। अब ये बताओ ये तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी मान लो, इसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी मान लो, प्राइमरी में करंट कभी राइज होती है कभी रिड्यूस, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है तो सेकेंडरी में भी ऑल्टरनेटिंग करंट डेवलप होगी, प्राइमरी में यदि ऑल्टरनेटिंग करंट हो तो सेकंड में डेवलप होगी, उसे हम आउटपुट में भेज देंगे एसी करंट। नहीं यार आ गया समझ में, एक आध बुक्स में यहां की बजाय यहां भी लगा रखा है वो फर्क नहीं पड़ता, ये भी ऑल्टरनेटिंग है ये भी ऑल्टरनेटिंग है, चाहे इसके साथ सेकेंडरी कॉइल लगा दो या इसके साथ सेकेंडरी, हमें आउटपुट मिल जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सेकेंडरी की जरूरत क्या है बेटा, वोल्टेज बढ़ानी घटानी है, मान लो इसके अंदर सपोज करो 10 वोल्ट की वोल्टेज बन रही है उदाहरण के लिए, तुम्हें 50 वोल्ट की चाहिए ऑल्टरनेटिंग, तो आप कॉयल लगा के स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज अपनी मनमर्जी की तो लोगे, वोल्टेज कम तो नहीं चाहिए हमें, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर है। तो खैर अब इसमें इसे कहते हैं, नाम सुन लो, ये कहलाती है फीडबैक कॉयल, क्योंकि यही कॉयल आउटपुट की एनर्जी को मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में इनपुट में भेजती है। ये सर्किट एलसी सर्किट कहलाता है टैंक सर्किट, ये कहलाती है बेटा फीडबैक कॉयल, ये कहलाता है एलसी सर्किट टैंक सर्किट। जैसे घर का टैंक पानी को स्टोर कर लेता है, ये आउटपुट से आने वाली एनर्जी को स्टोर करके कैपेसिटर पे स्टोर कर लेता है, आउटपुट से आने वाली एनर्जी को पकड़ के कॉइल उसे कैच करके कैपेसिटर पे स्टोर करवा रही है, तो इसे कहते हैं टैंक। घर में पानी स्टोर करने के लिए टैंक होते हैं, यहां चार्ज स्टोर करने के लिए टैंक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा टैंक सर्किट एलसी सर्किट। अच्छा कितनी फ्रीक्वेंसी की एसी बनेगी, तो एक बात बताइए एलसी सर्किट है ना, एलसी सर्किट है, तुम्हें याद है एलसी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वो 1/2 pi√LC होती है, तो इसका मतलब हम जितनी फ्रीक्वेंसी चाहे पैदा कर सकते हैं, सही एल और सी का चुनाव करके, सही एल और सी चूज करके हम ये बना सकते हैं। अच्छा दरअसल हमने किया क्या है, हमने इसमें मॉडिफिकेशन कैसे किया इस सर्किट में और उसमें क्या अंतर है, गौर से सुनना असली बात।
इसमें क्या होता था, एलसी सर्किट में ऑसिलेशन डैम्प्ड होते थे, हर एक बार जाने के बाद जब ये करंट आती थी तो एम्पलीट्यूड कुछ कम हो जाता था, क्वाइल उसे अपोज करती थी, रेजिस्टेंस अपोज करता था, एम्पलीट्यूड कम हो जाता था। ये एलसी सर्किट वही वाला है, इसमें ऑसिलेशन चलते हैं, जब इसका एम्पलीट्यूड कम होता है तो इसे बाहर से एनर्जी मिल जाती है और वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। यदि आसान शब्दों में सुने तो मैं बताऊं, ये सारा सर्किट ना होता, सिर्फ एलसी सर्किट होता तो ऑसिलेशन तो तब भी होते, बता डैम्प्ड होते या अनडैम्प्ड? डैम्प्ड। कैसे होते? हर ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड राइज होता, रिड्यूस, रिड्यूस। तो जब ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है तो वो वहां से एनर्जी देके एम्पलीट्यूड को वापस बढ़ा देता है। मोटे मोटे शब्दों में ये है काम इसका, कि जब एम्पलीट्यूड कम हो तो बाहर वाली कॉइल एनर्जी देके उसे फिर बढ़ा दे, फिर अगली बार कम हो बाहर वाली कॉइल एनर्जी देके फिर बढ़ा दे, तो इस तरह से अनडैम्प्ड। मोटा मोटा तो ये है इसका लफ्ज़ हुआ। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन ऑसिलेटर आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसे क्यों कहते हैं कि डीसी को एसी में बदलता है? आप ये बताओ, यहां पर आपने एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ बैटरियों का यूज किया है, क्या बैटरी के अलावा कोई आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स यूज किया? नहीं किया। बैटरी का यूज किया और ऑल्टरनेटिंग आउटपुट मिल गई, एसी मिल गई, तो एनर्जी ले कहा रहा है बैटरी से और देख से रहा है एसी के रूप में, तो डीसी लेके एसी के फॉर्म में दे रहा है, तो ये डीसी को एसी में के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, और यदि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो यही ऑसिलेटर है। अच्छा, इसे ऑसिलेटर, एक लास्ट बात बोल करके खत्म कर रहा हूं, ऑसिलेटर कहने के पीछे भी एक कहानी है, ऑसिलेटर ही क्यों? जैसे एक डोरी लो, मैं उसे हिलाने लगू तो उसमें वेव्स पैदा हो जाएंगी, ऑसिलेशन होने लगेंगे, जिस तरह से यदि मैं वेव पैदा कर दूं तो मेरा हाथ ऑसिलेटर है। यहां पर इस सर्किट ने डीसी करंट को ऑसिलेट करा दिया, डीसी करंट थी, इसने ऑसिलेट करा दिया, और यदि ऑसिलेट करा दिया तो यही तो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर, क्योंकि इसने डीसी को ऑसिलेशंस करा दिया। तो चलिए भाई, ये टॉपिक समझ में आ गया, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे।